राजस्थान के बारा कवाई कस्बे के एमवी स्कूल के पीछे पारलिया रोड के समीप कॉलोनी में ग्राम पंचायत कवाई द्वारा कॉलोनी की सभी गलियों में इंटरलॉकिंग कार्य करवाया गया, लेकिन सपना पारेता के मकान के पास 3 प्लॉटों के सामने इंटरलॉकिंग कार्य नहीं करवाया गया, जिसे पीड़ित श्रीमती सपना पारेता द्वारा बताया गया कि सरपंच चंपा लाल चंदेल ग्राम पंचायत कवाई द्वारा कॉलोनी में इंटरलॉकिंग कार्य करवाया गया था। उस दौरान सरपंच चंपा लाल चंदेल को हमारी गली में भी इंटरलॉकिंग कार्य करवाने को लेकर अवगत करवाया गया था, लेकिन न जाने क्यों मात्र 125 फीट की इंटरलॉकिंग कार्य नहीं करवाया गया, जबकि इस जगह खाली पड़े भूखंडों में पूरी कॉलोनी का पानी हमेशा भरा रहता है, जिससे कॉलोनी में कई तरह की मौसमी बीमारियों का अंदेशा लगा रहता है और आए दिन घरों में घुसते हैं जहरीले सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवर। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर में सांप घुस गया था, जिसे देखकर परिवार के सदस्यों को काफी सदमा पहुंचा, और अब बरसात का सारा पानी घरों में घुसेगा, जिसको लेकर गुस्साए कॉलोनी वासियों ने बताया कि हमारे घरों में रोजाना नमी बनी रहती है। हमारे साथ सरपंच द्वारा सौतेला व्यवहार किया गया। जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह चिरोया, आप देख रहे हैं मेरे साथ टीवी भारती न्यूज। आज हमें कवाई में जो पार्ले रोड है एमडी स्कूल के पीछे की जो कॉलोनी है, इसमें जो यहाँ के सरपंच है ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पे जिस तरीके से हम कह सकते हैं सौतेला व्यवहार, एक कॉलोनी में जो 3-4 प्लाट है इसके सामने तकरीबन 125 फीट की दूरी है, पूरी कॉलोनी में इंटरलॉकिंग कार्य जो निर्माण करवाया गया, लेकिन ये जो 100 फीट 125 फीट की जो दूरी है इसे अधूरी छोड़ दी गई है। और इस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा खतरा एक ऐसा है कि यहाँ पे एक खाली भूखंड है जिसमें आए दिन पानी भरा रहता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।